दर्शकहरू तपाईँहरू माझ हामी एउटा एकदमै राम्रो आज वर्ल्ड टुरिज्म डेको यो ओकेजनमा यहाँ हामी यस्तो यु युथ युवाहरूलाई भेटाएर आएका छौँ जसले चाहिँ रिसेन्टली यो वर्ल्ड टुरिज्मलाई जति पनि यो टुरिज्म एरिया मिरिकको छ जो अहिले हाइलाइटमा आइरहेको छ विशेष भनौँ यहाँनिर धुप्पी डाँडा भनेर चिनिन्छ जो चाहिँ टिङलिङमा अवस्थित छ यहाँनिर हाम्रा भास्कर नारायण साथै उहाँको टिमहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ लास्ट सन्डे चाहिँ सफाइ अभियान चलाउनु भएको थियो र आफ्नो यहाँनिर जति पनि लोकल्सहरूले यहाँनिर त्यो आफ्नो क्षेत्रलाई सफाइ राखे तापनि यहाँनिर अब कति टुरिस्टहरू आएर त्यहाँनिर त्यो प्याकेजहरू फ्याँगेर उनीहरू आएर इन्जोय मात्रै गरिरहेको छ तर त्यो महिला भने कसैले त्यसलाई प्रपर सँगले त्यो ठिक जग्गामा नपुर्याएको हामीले देखिरहेको छौँ र उहाँहरू यस्तो युथहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ त्यति टाढोबाट आएर मिरिकमा होइन लास्ट सन्डे उहाँले यो अभियान चलाउनु भयो र यही क्रममा आज यस टिमलाई यहाँ मिरिक राङ्बुङ भ्याली होमस्टे एसोसिएसन ने सम्मान जनाई सकूक र ये क्रमस हम अंतर्वा करने जो ड्राइव चलान भाई क्लिननेस ड्राइव यून तब्लिक एड्रेस कर इवेंट में थोड़ी अलग बताइन नमस्ते आ, मेरा नाम भास्कर नारायण है मैं बागडोगरा से बिलॉन्ग करता हूँ ये एक बात है आप भी आए होंगे शायद आप ये वीडियो देख रहे हैं आप भी डुपी डेफिनेटली विजिट किया ही होगा आपने आपने ये भी देखा होगा कि डुपीदाड़ा में आज के डेट में कितना कचरा हो गया है कुछ दिन पहले मिस्टर दिपेंदर थापा एक हमारे आ, एल्डर ब्रदर हैं उन्होंने वहाँ पे एक व्लॉग बनाया था ये दिखाते हुए कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कचड़ा हो गया है और हमें उस बात का बहुत बुरा लगा तो हमने एक दिन बस डिसाइड किया कि हम लोग चार पांच लोग मिलके उस जगह को हम लोग क्लीन करते हैं बिकॉज़ वो एक टूरिज़्म साइट है और वो इतना सुंदर है जो कि जहाँ पर अगर आप कचरा फैलाओगे तो वो एक ना एक दिन बहुत गंदा हो जाएगा सो वाई नॉट टू टेक दिस इनिशिएटिव तो हम एक संडे लास्ट टू लास्ट संडे हम लोग वहाँ गए थे और हमने वहाँ पे ऑलमोस्ट थर्टी फाइव बैग्स ऑफ गारबेज कलेक्ट किया था हम पाँच छः लोग थे और कुछ लोग वहाँ वॉल्टियर भी कर रहे थे हम जो भी संडे को घूमने भी आए हमने उन्हें भी रिक्वेस्ट किया कि अगर आप वॉलेंटियर करना चाहते हैं तो उन उनमें से एक दो लोगों ने किया हमने उनको ग्लव्स वगैरह वे, भी प्रोवाइड किया सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी नेसेसरी आप अपना घर सिर्फ चार दीवारी के अंदर नहीं सोचते हैं आपका घर एक सराउंडिंग होता है आपको वो सारी चीज़ें क्लीन रखनी पड़ती हैं आप जैसे अपना घर क्लीन रखते हैं वैसे ही आप अपना सराउंडिंग भी क्लीन कर सकते हैं प्लस देर इज़ समथिंग टूरिस्ट को ये अवेयरनेस है नहीं ये सबसे ज़्यादा पहली बात तो टूरिस्ट को जानना चाहिए कि अगर आप कोई कचरा लेके आते हैं यहाँ कहीं भी किसी भी प्लेस में नॉट जस्ट नॉर्थ बंगाल एनी वेयर एनी वेयर इन इंडिया आप कोई भी कचरा अपने साथ लेके जाते हैं बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं या एनी थिंग पार्टी करते हैं आपको वो जो कचरा आप लेके गए हो वो वापस भी ले जाना चाहिए दिस इज़ अ वेरी गुड एटिकेट टूवर्ड्स टूरिज्म एंड ट्रैवल सो ये पहला रिक्वेस्ट है कि जो भी टूरिस्ट वहाँ जाते हैं प्लीज़ अपना कचरा वहाँ वापस ले जाइए प्लस हमारे जैसे जो ट्रैवलर्स हैं आप कभी भी घूमने जाते हो आप कोई कचरा नहीं करते और आपको कचरा देखना पसंद नहीं है तो प्लीज़ आप लोग भी कभी भी ऐसा कचरा देखते हैं तो आप भी एक इनिशिएटिव ड्राइव निकाल सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ और आप वो जगह को क्लीन कर सकते हो नॉट जस्ट एनी आपके घर के पास में भी कहीं पर ऐसा कचड़े गिरे होंगे उस जगह को कितना कितना मतलब वो अगर सुंदर है तो उसको वो सुंदरता रखने के लिए हमें क्लीन करना पड़ेगा सेकेंड थिंग जो दूसरे लोग आते हैं वो है विलेजर्स लोकल्स लोकल्स को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे तरीके से लेनी पड़ेगी उन्हें टूरिस्ट को बोलना पड़ेगा कि अगर आप यहाँ से चिप्स खरीद के लेके जा रहे हो तो या तो आप हमारे यहाँ पे ही आके डंप करके जाइए या नहीं तो आप कोई भी डस्टबिन जहाँ मिले वहाँ आप इसे डंप करिए ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो है ना ये अगर हम स्टार्ट करें तो हमारा इंडिया हमारा नॉल डारा मेरे दार्जिलिंग सिक्किम सब कुछ बहुत साफ़ रहेगा एंड ऑल्सो आई टेल यू समथिंग फॉरनर्स मैं दो तीन कंट्री भी घूम के आया हूँ फॉरेनर्स ये सब नहीं करते हैं। अगर वो कचरा अगर वो यूज़ करते हैं उनका कोई भी वेस्ट मटेरियल होता है वो हमेशा कोई डस्टबिन ढूंढ के रखते हैं नहीं तो उनके पास जो भी बैग है उसमें रखते हैं अगर गाड़ी से ट्रैवल कर करे तो वो गाड़ी में रखते हैं इससे क्या है ये सेंसिबल टूरिज़म है आराम से वो अपना कचरा घर ले जा सकते हैं और वहाँ डिस्पोज कर सकते हैं ऑल्सो इस टूरिज़म डे का थीम है टूरिज़म एंड वॉट इज इन नहीं ग्रीन नहीं वॉट इट इज इस बार का थीम टूरिज्म थीम भी है टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट इट मीन्स ग्रीन इन्वेस्टमेंट आप ये छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि अगर आप डस्टबिन लगा देंगे कहीं पे, कोई भी एक टूरिस्ट साइट है वहाँ अगर लोकल्स मिलकर डस्टबिन लगा दें तो सारा वहाँ पे कचरा लोग वहाँ डालेंगे कुछ लोग नहीं डालेंगे बट स्टिल वहाँ पे एक जगह पे गारबेज कलेक्ट होगा और आ, ये ये मोटिव लेके ये थीम लेके हमें इस टूरिज़म डे से काम करना चालू करना चाहिए ताकि नेक्स्ट टूरिज़म डे में हम हैप्पी वर्ल्ड डे बोल सकें दैट्स ऑल आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग साफ़ सफाई रखें और हमारे भारत को साफ़ रखें अपने जगहों को सेफ साफ़ रखें तो सब इतना हरियाली और सुंदर खूबसूरत दिखेगा थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच आप बहुत... मेरो ऑन कर दें <laughs> चाहिँ था दिपेन्द्र थापा हो दिपेन्द्र थापा र यो जुन माथिको जुन यो धुपी डाँडाको सायद तपाईँ पनि ब्लगर भ्लगबाट नै यो जुन सफाई अभियान सुरु भएको हो कस्तो पाउनुभयो फर्स्ट तपाईँ आउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर कस्तो देख्नु भएको फर्स्ट त अब यहाँ त हामीहरू आइबस्छ बट आज भन्दाखेरि बाह्र दिन अगाडि चाहिँ म जब आएको थिएँ जब सफा भएको थिएन त्यति बेला चाहिँ म आफ्नो वाइफसित आएको थिएँ देन त्यो जग्गालाई चाहिँ अति नै मैला हामीले भेटायो भन्दाखेरि पनि मैला तपाईँको प्लास्टिक त्यो कागजहरू ठिकै छ बट बियरको बोतल्सहरू होइन त्यो चाहिँ एकदमै मलाई नराम्रो लाग्यो अन्त यसो मैले सोचेँ अब हाम्रो पाहाड म अब नेपाली नै ने हो हु। हाम्रो पाहाड हाम्रो पाहाडलाई सफा राख्नु हाम्रै जिम्मा हो भनेर मैले सोचेँ अन्त मैले कुरा पनि गरेँ देन आफ्टर मैले एउटा टिमको लागि भनेर सोचिरहेको थिएँ मैले त्यो खालि इन्स्टाग्राममा पुस्ट गरेको थिएँ देन मेरो साथी यो भास्कर उसले इन्स्टाग्राममा हेऱ्यो अन्त उसले डिसाइड गर्यो कि दादा हामीहरू गएर इनिसिएटिभ लिउँ हामीले नै काम गरौँ होइन किन भन्दाखेरि हामीले गर्यो भने आउनेवाला जुन चाहिँ हामीलाई हेरेर सिक्छ उनीहरूले पनि सायद त्यो गर्छ होला अनि मैले त्यही कुराहरू गरेँ देन आफ्टर हामीले मुभन गऱ्यो अन्त हामीले बिहानै आएर यहाँ सफा गरेँ सफा गर्दाखेरि अहिले त फिलहाल सफा भइरहेको छ होइन सफा गरिरहेको छ म अब त्यो पनि भन्नु चाहन्छु कि जो पनि आउँछ त्यहाँ होइन प्लास्टिक ब्याग क्यारी गरेर आउँछ अहिले तपाईँले सबैलाई हेर्नु छ होला जहिले पनि हामी ट्राभल गर्नु जान्छ त्यति बेला एउटा सानो ब्याग लिएर जान्छ अब प्लास्टिक्सहरू लिएर जान्छ होइन त्यसमा के के खानेकुरो लान्छ त्यो लाँदाखेरि चाहिँ जसरी उनीहरूले लगेको छ सा, त्यसरी नै लिएर आयो भने हामीलाई पनि सजिलो हुन्छ इन्भाइरोमेन्टलाई पनि इफेक्ट पर्दैन अब यो टुरिज्मलाई फैलाउनु भन्दाखेरि चाहिँ मेन चाहिँ पहिला आफ्नो इन्भाइरोमेन्टलाई क्लिन राख्नु हाम्रो घरमा अब हामीले नर्मली हेऱ्यो भने मान्छेहरू जब आउनुहुन्छ अतिथि जब आउनुहुन्छ उहाँले त उनीहरूको स्वभाव नै हो नि त आएर खाना खाएर जुठो भाँडा राखेर रा जाने तर मेन काम चाहिँ हामी माथि छ हामीले त्यो थालहरू उठाएर राख्ने हो त्यो भाँडाहरू उठाएर धुने हो होइन सबै गरेर सफा गर्ने किन त्यसलाई त्यसरी नै राख्यो भने अर्को अतिथि आउनु हुँदैन नि त उनीहरूले पनि भन्नुहुन्छ उसको घर मैला छ भने त घर चाहिँ अब आफ्नै एरियाको मान्छेहरूले सफा राख्यो भने हो होइन हामी जस्तो कसैले पनि आएर त्यहाँ सफा गर्नुसक्छ मैला गर्नु कसैले मैला गर्दाखेरि केही त्यो छैन भन्दाखेरिमा सफा गर्दा त कसैले केही भन्ने होइन आफैले आएर इनिसिएटिभ लियो आफैले आएर सफा गऱ्यो भन्दा मेन चाहिँ म त्यही भन्छु यहाँ गाउँको जो मान्छेहरू हुनुहुन्छ होइन जहाँ पनि मैले यो मात्रै भनेको छुइनँ टिङलिङ एरियामा यस्तो छ भनेर अझै थुप्रो ठाउँमा सफा गर्ने हाम्रो प्लान चल्दैछ होइन कतिवटा ठाउँ मैले मिरिक पनि हेरिरहेको छु मिरिक झिलको त्यहाँ माथिपट्टि हेलिप्याड जानेको त्यहाँ पनि मैला छ मैले त्यसको लागि पनि प्लान गरिरहेको छु त्यहाँ पनि कसैले पनि गएर सफा गर्नुसक्छ मैले यो भनेको छुइनँ कि पुरा पैँतिसको पैँतिसवटा ब्याग उठायो जस्तो हामीले उठाएको थियो त्यस्तो होइन एक दुईवटा ब्याग लग्यो सफा गऱ्यो आफ्नो जति सक्छ त्यति सफा गरोस् होइन त्यो एरियालाई क्लिन राख्यो भने त्यति बेसी नै टुरिज्म राम्रो हुन्छ मान्छे आउँछ आएर हाम्रोलाई हामीलाई राम्रो फिडब्याक दिन्छ यो ठाउँ राम्रो छ होइन त्यही हो हाम्रो पाहाडलाई सफा राख्ने हाम्रै जिम्मा हो हामीले नै गर्नुसक्छ अरू त के थैंक यू थैंक यू राहुल किशोर थे जिससे धुप्पी ढाड़ा लाइफा कर मेरा यही कहना है लोगों से कि मतलब आप कहीं पर भी जाते हैं आप वहाँ बैठते हैं वहाँ खाते है पीते है वो सब ठीक है कोई अलाउड आप सब जगह अलाउड आप देखेंगे टूरिस्ट स्पॉट पर हर जगह आपको अलाउड ही है मतलब ऐसा नहीं है कि कोई मना कर रहा है आपको वहाँ नहीं बैठना है या कुछ बट ऐसा है कि वहाँ जा रहे हैं आप अपना सामान लेके जा रहे हैं तो आप वो लेके वापसी भी आ सकते हैं ना तो बस वही है कि सबसे यही विनम्र है कि सब मतलब अपना सामान जो भी कचरा लेके जाते हैं वो अपना लेके आए और सब एक बार डस्टबिन में ही डाले अगर वहाँ डालेंगे आप लोग देखते हैं हम भी धूपी दारा भी साफ़ करके आए वहाँ पे मतलब लोग कचरे में ही बैठ ही रहे वहीं पे लोग पिकनिक दोबारा मना रहे हैं कचरा हो रखा है लेकिन वहीं पिकनिक मना रहे हैं वहीं बैठ रहे हैं वहीं पर खा रहे हैं तो वो अच्छा नहीं लगता देखने में और बा, बाकी वीडियोज भी बनाते तो आधा हम हम वैसे इन्फ्लुंसर है थोड़ा मतलब इंस्टाग्राम पर रील वील पोस्ट करते तो हम लोग वीडियो वगैरह बनाते हैं तो हमें वीडियो में साफ दिखना चाहिए हर जगह लेकिन हम वीडियो बनाते तो आधा उसमें कचरा दिखता है हमको तो वो चीज़ अच्छा नहीं लगता लोगों को दिखाने में भी कि क्या है ये गंदा जगह है ये वो तो वही है बस लोगों को यही है कि वो लोग साफ रखें अपनी जगह को अपनी ही जगह है आपको वहीं वापसी जाके बैठना है वहीं इंजॉय करना है तो उसको साफ़ भी रखें जिस दिन आप मतलब वो क्लीन लेफ्ट ड्राइव लिए ले आया था वो आपका के मतलब कुछ टीम का नाम है टीम कोई का नाम नहीं, नहीं अभी तो वैसा, वैसा कुछ नहीं।, नहीं हाँ अभी तो इंडिविजुअली ऐसे हम लोग ऐसी फ्रेंड्स है बहुत पुराने बड़े भैया है तो वो सब हम ऐसे मिल के है एक बारी ऐसी बस हमने स्टार्ट किया है अभी तो नाम हम कुछ नहीं रखा है हमने बस हमने ऐसे ही स्टार्ट किया ऐसे इनिशिएटिव